मेरी स्टोरी में विलन कौन था? मैं खुद। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के वक्त इंस्टाग्राम के रील्स पर इस साउंड के ऊपर कुछ इस टाइप का वीडियो काफी तेजी से वायरल चल रहा है। तो आज किस वाली वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ कि आप कुछ इस टाइप का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज किस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, तो गाइज, इस तरीके का वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है गाइज, आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो गाइज, अगर आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो फ्रेंड्स आपको ये एप्लीकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और गाइज, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस मैंने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। एंड उससे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइस आपको कोई भी एक वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस मैंने वीपीएन को कनेक्ट करके रखा है, तो आपको भी कनेक्ट कर लेना है। गाइस, आपको प्ले स्टोर में काफ़ी सारे गाइस आपको वीपीएन मिल जाएंगे, तो आप किसी एक वीपीएन को डाउनलोड करके कनेक्ट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद गाइस आपको अपना एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइस आपको अपना उस वीडियो को सिलेक्ट करना है, आप जिस भी वीडियो से गाइस अपने रील्स को क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पर गाइस मैं अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइस आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपका वीडियो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइस हमारा वीडियो स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस आपको मैं सिखाने के लिए कुछ इस टाइप से अपने वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया हूँ। एंड उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका साउंड को म्यूट कर लेते हैं। म्यूट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इसके वाटरमार्क वीडियो को डिलीट कर लेना है। तो इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, फ्रेंड्स आपके वीडियो पर अगर कुछ भी फालतू पार्ट है तो आप उसे कट वगैरह कर लीजिएगा। तो गाइस मैं अपने वीडियो कुछ यहाँ से रखना चाहता हूँ। तो गाइस आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना, नीचे आपको ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का ऑप्शन, गाइस आपको उसके ऊपर क्लिक करके अपने वीडियो को कट लगाना है एंड फालतू पार्ट को डिलीट कर लेना है। तो इसे हम डिलीट कर लेते हैं, हो चुका है। एंड यहाँ तक गाइस अपने वीडियो को मैं रखूँगा, तो इसे गाइस मैं इस तरीके से एडजस्ट वगैरह कर लेता हूँ, हो चुका है। और एंड उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, फ्रेंड्स अगर आपको अपने वीडियो पर स्लोमो को ऐड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है स्पीड का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आप इस तरीके से एड वगैरह कर लीजिएगा, जितना भी गाइस आपको स्लोमो चाहिए। एंड गाइस आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्मूथ स्लोमो, आपको उसके ऊपर क्लिक करके बेटर क्वालिटी को आपको सिलेक्ट करना है एंड आपको राइट पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे वीडियो पर स्लोमो अप्लाई हो रहा है, हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो गाइस हमारे वीडियो पर गाइस हमारा स्लोमो एड हो चुका, आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैक आना है। नीचे गाइस आपको ऑप्शन मिलता है एड ऑडियो का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड यहाँ से गाइस आपको रियल साउंड वीडियो को सिलेक्ट करके आपको एक्सट्रैक्ट एंड एड ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर गाइस आपके वीडियो सबका साउंड इस तरीके से निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको साउंड वीडियो का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं गाइस हमारा वीडियो कुछ इतने लंबा है एंड गाइस हमारा साउंड कुछ इतना लंबा है। तो इसे गाइस पूरा आप कवर कर लीजिएगा अपने साउंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर गाइस मैं कुछ इतने से रहने देता हूँ एंड अपने साउंड को इस तरीके से मैं गाइस ट्रिम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस आपको अपने साउंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट वगैरह कर लेना है। तो इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पर आना है एंड गाइस आपको बैक आना है। नीचे गाइस आपको ऑप्शन मिलता है इफेक्ट का ऑप्शन, गाइस आपको उसके ऊपर क्लिक करके वीडियो इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस आपका कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको नीचे आना है। यहाँ पर गाइस आपको इस इफेक्ट को अप्लाई करना है, प्लस वाइब्रेशन, इसे गाइस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर गाइस हमारा इफेक्ट आ चुका है। सो गाइस आपको नीचे ऑप्शन मिलता है एडजस्ट का ऑप्शन, आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइस इसके साउंड को म्यूट कर लेते हैं, वरना गाइस कॉपीराइट आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके साउंड को हम इसे पूरा वॉल्यूम को गाइस हम डाउन कर लेते हैं, हो चुका है। एंड फिर से गाइस हम इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ पर क्लिक करते हैं, एडजस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको एडजस्ट वगैरह कर लेना है। तो सबसे पहले गाइस आपको एटमॉस्फेयर को गाइस आप इस तरीके से पूरा गाइस आप इसे फुल कर लीजिएगा, फुल कर लेना है। फुल करने के बाद गाइस आपको नीचे ऑप्शन मिलता है स्पीड का, आपको इसे पूरा माइनस कर लेना है। एंड उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर गाइस आपको रेंज को एडजस्ट वगैरह करना है, आपको जितना भी रखना है कुछ इस टाइप से, हो चुका है। एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर कलर को सिलेक्ट करना है, आपको जो भी कलर रखना है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं इसे रख लेता हूँ, हो चुका है। एंड उसके बाद गाइस आप ग्लो को यहाँ पर एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा, आपको जितना भी रखना होगा, हो चुका है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर हमारा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। एंड उसके बाद आपको राइट पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस इसके लेंथ को आप इस तरीके से पूरा वीडियो पर कवर कर लीजिएगा, देख सकते हैं, हो चुका है। एंड यहाँ पर गाइस हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। और यहाँ पर गाइस अपने लिरिक्स को भी आप ऐड कर सकते हैं अपने साउंड के अकॉर्डिंग। तो उसे गाइस मैं नहीं सिखाऊंगा, आप चाहे तो मेरे वीडियोस वगैरह को देख सकते हो, गाइस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा।
तो आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने आप लिरिक्स को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस हमारा वीडियो बनकर तैयार हो चुका, आप देख सकते हो कुछ स्टेप से। यहाँ पर गाइस मैं साउंड को आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि गाइस कॉपीराइट आ सकता है। और इसके बाद गाइस अब आपको क्या करना है, अपने वीडियो को सेव करने के लिए फ्रेंड्स आपको ऊपर में ऑप्शन मिलता है एरो का आइकन, आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने वीडियो को आप सेव वगैरह कर सकते हो। तो आई होप गाइस आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड साथ ही गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का ट्रेंडिंग रील्स वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूं, तो मस्ट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।